माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू हुआ भारत के गौरवशाली इतिहास का उत्सव, स्वाधीनता संग्राम का उत्सव, संस्कृति के स्वाभिमान और राष्ट्र की उपलब्धियों का महापर्व आजादी का अमृत महोत्सव। हमारे यहाँ वेदों में एक वाक्य है, मृत्यो मृक्षीय मामृतम, अर्थात हम दुख कष्ट क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। इस अद्भुत आयोजन के अंतर्गत दो वर्षों में देश विदेश में 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम किए गए, जिनमें जन भागीदारी अविस्मरणीय रही। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और निजी संगठनों ने एकजुट प्रयास किए और अमृत महोत्सव की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। राष्ट्रगान अभियान के अंतर्गत करोड़ों जन गण मन की गूंज एकजुट होकर देश की ताकत बनी। हर भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज से एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से लेकर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों लोगों ने अपने घरों में तिरंगा फहराया। आजादी के बाद पहली बार सभी देशवासियों ने मिलकर देश प्रेम का ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। अमृत महोत्सव के दौरान हमने स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से लोगों ने देश के आदि शौर्य को भी सम्मान दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाते हुए आजादी का अमृत महोत्सव ने लोगों में अनेकता में एकता का एहसास जगाया और राष्ट्रीय एकता की नींव और मजबूत की। अमृत महोत्सव ने संस्कृति को एक महामंच दिया, जहां कलांजलि द्वारा संगीत, नृत्य और नाटक भी हुए। वितासता के माध्यम से कश्मीर घर घर पहुंचा। काशी उत्सव जैसे साहित्यिक सम्मेलन भी किए और प्राचीन भारतीय ज्ञान गंगा की धारा भी बहने लगी। इसी कड़ी में किला और कहानियां और वंडर केव्स अभियानों ने भारत के सांस्कृतिक गौरव का परचम लहराया। देश में हर घर ध्यान लगाया गया। हमारे गांव हमारी धरोहर बने। अमृत कलश यात्रा जैसे सफल आयोजन के साथ मेरी माटी मेरा देश की महान सोच सबके हृदय में घर कर गई। देश की युवा शक्ति ने भी बढ़े चलो का संदेश अपनाते हुए इस महापर्व में असीम उत्साह दिखाया। आजादी के इस अमृत महोत्सव ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मूल मंत्र की तरह साधा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर भारतवासी ने किया पंच प्राण निभाने का वादा। आजादी का अमृत महोत्सव व पंच प्राण की गूंज 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में गूंजती रहे। इससे सुर मिलाकर सभी धड़कन यही कहे, जय हे, जय हे, जय हे।